अब पिछले करीब 10 सालों से लगातार बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का दबदबा इंडस्ट्री पर देखने को मिला और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार बनते ही गए। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो अभिनेता सलमान खान की कई सारी फिल्में रिलीज हुई लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। ये वही भाईजान हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही तहलका मचा देती थीं और कुछ ही दिनों के भीतर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर ले जाती थीं। लेकिन आज वही समय आ गया है कि भाईजान सलमान खान की फिल्मों को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसे जानने के बाद भाईजान के चाहने वाले खुशी से उछल पड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की बैक टू बैक कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली है और इन फिल्मों के जरिए वो साउथ की बड़ी फिल्मों को टक्कर देने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि इन सभी फिल्मों को करने के बाद सलमान खान अपना खोया हुआ स्टारडम फिर से हासिल करने वाले हैं। इस कड़ी में अगर सबसे पहले फिल्म की बात करें तो इस समय सलमान खान की मोस्ट वेटेड फिल्म में से एक कभी कभी दिवाली को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और सलमान खान इस फिल्म को 100% परफेक्ट बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले इस फिल्म में सलमान खान अपने बहनोई आयुष शर्मा को लेने वाले थे लेकिन डायरेक्टर के साथ उनका विवाद हो गया जिसके चलते उन्होंने अपने खुद के ही जीजा को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं दूसरी ओर अगर पिंक पिला की रिपोर्ट की माने तो फिल्म कभी कभी दिवाली में रामचरण एक स्पेशल कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। जब सलमान खान हैदराबाद में एक स्पेशल गाने की शूटिंग कर रहे थे तब रामचरण उनसे सेट पर मिल गए थे। इस दौरान मेकर्स को विचार आया कि रामचरण को गाने में लिया जाए। एंटरटेनमेंट पोर्टल ने एक सोर्स के हवाले से कहा है कि सलमान खान एक दिन पहले हैदराबाद में गाने की शूटिंग कर रहे थे तब रामचरण उनसे मिलने गए और बताया जा रहा है कि अब सलमान खान और रामचरण की जोड़ी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में देखने को मिल सकती है। रामचरण वही है जिनकी अभी हालिया में रिलीज फिल्म RRR ने धूम मचाई थी और माना जा रहा है कि सलमान खान साउथ के एक बड़े सुपरस्टार को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं ताकि साउथ के चाहने वाले उनकी फिल्म पर नजरें गड़ाएं। तो वहीं दूसरी ओर अगर सलमान खान की दूसरी बड़ी फिल्म की बात करें तो अभिनेता एक लंबे समय से Tiger 3 को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। अब एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है कि अपार सफलता के बाद सलमान खान एक बार फिर से इस फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट में नजर आने वाले हैं और सलमान खान के चाहने वाले दोनों ही फिल्मों को पहले ही पसंद कर चुके हैं। ऐसे में लोग अपने फेवरेट अभिनेता को जल्द से जल्द Tiger 3 में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अभी हाल ही में फिल्म का एक टीजर रिलीज भी किया गया था जिससे दर्शकों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया था और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल होकर यह फिल्म भी फ्लोर पर जाने वाली है। वैसे देखा जाए टाइगर सीरीज हमेशा से ही सलमान खान की चुनिंदा फिल्मों में से एक मानी गई है जिसकी वजह से सलमान खान ने मोटी कमाई की है और हो ना हो टाइगर 3 की अगर आएगी तो जाहिर सी बात है बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म धमाल मचाएगी। इसी के साथ ही अगर तीसरी सबसे बड़ी फिल्म की बात करें तो यह अनीश बाजमी की फिल्म होने वाली है और यह सलमान खान की सुपरहिट फिल्म में से एक नो एंट्री का सीक्वल होने वाला है यानी नो एंट्री में एंट्री। अनीश बाजमी ने इस फिल्म को साल 2005 में डायरेक्ट किया था और यह फिल्म सुपरहिट निकली थी और आज भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। फिल्म में सलमान खान ने प्रेम का किरदार निभाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और यही बड़ी वजह है कि अब फिल्म के सीक्वल का काफ़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में बात सामने आई थी कि इस फिल्म में सलमान खान एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 अभिनेत्रियों के साथ नजर आने वाले हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का निर्देशन भी अनीश बाजमी ही करने वाले हैं। हो ना हो अगर इस फिल्म का सीक्वल आएगा तो जाहिर सी बात है सलमान खान के स्टारडम में एक अलग चमक देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर चौथी बड़ी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान 2। अब बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने जो किरदार निभाया और मुन्नी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग देखने को मिली उसे आज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। सलमान खान की यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया जिसे उस दौरान काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और बताया जा रहा है कि बजरंगी भाईजान के अगले भाग में भी अभिनेता सलमान खान कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। दरअसल हुआ यूं कि अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान सलमान खान ने इस फिल्म को लेकर हिंट भी दिया था जिसकी वजह से ये लोग इस फिल्म के सीक्वल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। पांचवी और आखिरी बड़ी फिल्म की बात करें तो ये फिल्म है किक और इस फिल्म के अगले भाग में भी सलमान खान जल्द ही नजर आने वाले हैं। साजिद नडियाडवाला इस फिल्म को लेकर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। कई बार इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी गई लेकिन भाईजान सलमान खान को स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। ऐसे माना जा रहा है कि जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी तो सलमान खान इस फिल्म को हरी झंडी दे देंगे। तो दोस्तों ये थी सलमान खान की आने वाली 5 बड़ी फिल्में और हो सकता है कि इन 5 बड़ी फिल्मों को करने के बाद सलमान खान एक बार फिर से अपना खोया हुआ रुतबा दोबारा हासिल कर ले। तो दोस्तों इन 5 बड़ी फिल्मों में से आप किस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।